गोरखपुर ईंट निर्माता समिति की बैठक पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में जटाशंकर स्थित एक लॉन में संपन्न हुई, जिसके संबंध में पिपराइच विधानसभा के विधायक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि ईंट भट्टों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए 21 जनवरी को ईंट भट्टों में आग लगाने की तिथि निर्धारित किया गया है और सभी ईंट भट्टा मालिकों को यह बताया गया है कि अपने भट्टे का विनिमय शुल्क जो कि पहले रॉयल्टी हुआ करती थी उसको समय से जमा कर दें। उन्होंने बताया कि पहले भट्टा मालिकों में ये समस्या रहती थी कि वो जिस मिट्टी का खनन करवा कर ईंट की पथाई करवाते थे उनके ट्राली ट्रैक्टरों को पुलिस रोक कर परेशान करती थी, लेकिन अब भट्टा रॉयल्टी जमा करके इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, जिसका आदेश शासन ने कर दिया है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री योगी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बैठक में जनपद के सभी ईंट भट्टा मालिक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, और सारे दिल्ली के अगल बगल के एनसीआर के भट्टे बंद हो गए, पिछले साल कोई भट्टा चला नहीं। सरकारें इससे सख्त हैं, ज्यादा दिक्कत होगी तो जैसे दिल्ली एनसीआर है पूरे प्रदेश देश में हो जाएगा। इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। हमें जो है प्रदूषण जो लखनऊ में बैठक 11 तारीख को होगी, अगर उन्होंने निर्णय ले लिया कि हम आग लगाएंगे फरवरी में, तो हम सब लोग उनके निर्णय के पालन करने के लिए बाध्य होंगे। और ये सही है, जैसा कि आपकी राय आई है कि हम सब जिलाधिकारी को लिख करके और ये प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए जो अपनी फायरिंग डेट हम तय करेंगे, हम सब भी एक अपने जिलाधिकारी को एक चिट्ठी यहाँ से चली जाएगी और फिर इसके बाद अगर कोई फायरिंग करेगा तो फिर उसके ऊपर विधि कार्रवाई की जाएगी। आया था कि हमको बताया नहीं गया, हमने तैयारी कर ली, पहले से हमने तैयारी कर ली, ये बात उठी थी, लेकिन फिर भी पिछले साल कार्रवाई हुई थी और लोगों ने काफी सहयोग दिया। अवैधा कदा कुछ भट्टे वाले नहीं माने। ये बैठक ये निर्माता समिति गोरखपुर की तरफ से रखी गई है। इस बैठक में दो तीन बिंदुओं पर चर्चा होनी थी। एक तो जो भट्टों में जो फायरिंग होनी है इसको लेकर के थी, और इसमें हम लोगों ने वायु प्रदूषण को देखते हुए जो है अभी गोरखपुर ईंट निर्माता समिति ने 21 जनवरी को भट्टों में आग लगाने की तिथि निर्धारित की है, और उसके अलावा रॉयल्टी पर यहाँ विचार हुआ है कि अगले इस वित्तीय वर्ष का जो रॉयल्टी है वो विनिमय शुल्क, अब तो रॉयल्टी समाप्त करके विनिमय शुल्क हो गया है, ये सारे भट्टा स्वामी जो है अपना समय से जमा कर दें, एक तो इसको लेकर के बैठक बुलाई गई थी। और तीसरा बिंदु था खनन का। खनन का अभी जो है पहले जो इसी इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो लगता था वो समाप्त हो गई है, अब केवल हम रॉयल्टी जमा करेंगे और अपनी मिट्टी की खुदाई करके हम भट्टे पर लाएंगे और अपनी ईंट पथाई करेंगे। अब इसमें कहीं कोई जो पुलिस वालों का इसमें एक बहुत बड़ा एक रोल होता था कि वो लोग हमारी गाड़ियों को रोकते थे, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भट्टा स्वामियों की पीड़ा को सुन करके उसको महसूस करते हुए रॉयल्टी को माफ़ करके बिल में शुल्क लगाया और हमारी इसी की बाध्यता उन्होंने समाप्त कर दिया। इसी की बाध्यता समाप्त होने से भट्टा वालों को एक बहुत बड़ी जो एक उनके ऊपर एक तलवार लटक रही थी उसमें गांठों की समस्या आ रही थी कि हमें किस गांठे से खुदाई करना है किससे नहीं करना है, तो इन सारी समस्याओं से भट्टा स्वामियों को निजात मिल गया। अब हमें इसी नहीं लेना है, हम अपनी खुदाई कर सकते हैं, और एक तो इस संबंध में थी, यही तीन बिंदु था, इन्हीं बिंदु पर जो है ये बैठक रखी गई थी। निर्णय तो मैंने बता दिया कि अभी गोरखपुर ईंट निर्माता समिति ने 21 जनवरी को फायरिंग का पीरियड रखा है वायु प्रदूषण को देखते हुए कि थोड़ा सा जो प्रदूषण बढ़ रहा है इस पर रोक लगाने के लिए हम लोगों ने वही 21 जनवरी का डेट निर्धारित किया है कि जाड़े में हम लोग भट्टा नहीं चलाएंगे। और रॉयल्टी का हमने बताया, रॉयल्टी जो इस वित्तीय वर्ष का जमा करना है विनिमय शुल्क उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है। खनन पर लोगों को वही बताना था कि जो है इसी की बाध्यता समाप्त हो गई है, हम अब रॉयल्टी जमा करके मिट्टी की खुदाई कर सकते हैं।